खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कल देर शाम आरएसएस के मार्च के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे थे, तभी मुस्लिम समाज के लोगों ने धार्मिक नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि आरएसएस के कार्यकर्ता अपना मार्च यहाँ पर करते रहे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने आ गए और इसी के बाद हालात पर काबू के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग तक करना पड़ गया। फिलहाल हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं और इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ये तस्वीर वहां से सामने आई है, ये वही मार्च है जो निकाला जा रहा था और इसी में बताया गया कि हिंदू मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो आमने सामने हो गए और उसके बाद स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग यहाँ पर करना पड़ा। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें, अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में वहां पर बताई जा रही है। तो आरएसएस के मार्च के दौरान यहाँ पर सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। रत्नागिरी में आरएसएस का मार्च चल रहा था और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय पर ये आरोप है कि उनकी तरफ से धार्मिक नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों ही समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। हालांकि अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि भारी पुलिस फोर्स को वहाँ पर तैनात किया गया है।